हाय फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ डब्ल्यूबी प्राइमरी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर 2015 में जो पेपर कैंसिल्ड हुआ था। तो और ये वीडियो जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के ऊपर बेस्ड होगा। इससे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से हम लोग 10 क्वेश्चंस को किए थे, आज हम लोग वो 20 क्वेश्चंस को करके इस सेशन को ख़त्म करेंगे। ओके, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो के साथ कम्प्लीटली बने रहें और चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें। किसी भी किस्म का डाउट हो, अगर दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आप लोग को कुछ नोट्स, स्लाइड्स और कुछ इम्पोर्टेंट राय दिया जाता है आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। तो कुछ लास्ट क्वेश्चन हम लोग किए थे 70 तक। तो आज का जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसमें से कौन एक ऐसा थ्योरी है जो कि बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लर्निंग नहीं है। ओके, नॉट, तो ये एक बहुत ही कॉमन एक क्वेश्चन का एक पैटर्न है, सी टेट का बोलिए या कोई भी टेट का, क्वेश्चन को दे करके लास्ट में लिख देगा नॉट या एक्सेप्ट। इसलिए आप लोग को कम से कम क्वेश्चन को 2 या 3 टाइम्स पढ़ना होगा और पढ़ के अच्छी तरीके से समझना होगा क्या बोल रहा है, यस में या नो में। तो एक्सेप्ट और नोट एक ऐसा टेट का एक स्पेशल वर्ड है। सब क्वेश्चंस को लिख करके बोलेगा एक्सेप्ट वन, इसमें से कौन एक नहीं है या नॉट नहीं है, डायरेक्ट पूछ लेगा नहीं है। तो प्लीज आप लोग क्वेश्चंस को 2-3 टाइम्स अच्छी तरीके से पढ़िए और अपने प्रिपरेशंस को बूस्ट कीजिए विद वसीम एकेडमी के साथ। तो चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं फिर से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इसमें से कौन एक नहीं है बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लर्निंग। ऑप्शन नंबर 1 क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑप्शन नंबर 2 इनसाइट थ्योरी, ऑप्शन नंबर 3 ऑपरेंट कंडीशनिंग या ऑप्शन नंबर 3 कनेक्शनिज्म। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 कनेक्शनिज्म, ये कनेक्शनिज्म ये आपको ट्रायल एंड एरर थ्योरी का एक पार्ट है और जिसको ईएल थोरनडाइक ने पेश किया था। ओके, ईएल थोरनडाइक ने, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। ओके, इसको हम लोग कल ही हम लोग एक्सप्लेन किए थे, यानी इनसे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 72, डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन कॉज द स्कर्वी डिजीज अमंग द चिल्ड्रन, यानी किस विटामिन की कमी से बच्चों में स्कर्वी नाम का बीमारी होता है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी या ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई। तो वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 72 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी की कमी से बच्चों में स्कर्वी नाम का बीमारी होता है। आप लोग से क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। विटामिन बी की कमी से कौन सा बीमारी होता है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, दोनों क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन 73, द डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल कॉजेस रिकेट्स, यानी रिकेट्स एक मिनरल के कमी की वजह से बीमारी होती है जिसको बोलते हैं माल डेवलपमेंट ऑफ द टीथ एंड बोन्स, यानी टीथ दांत का और हड्डियों का ठीक से डेवलपमेंट नहीं होता है अमंग द चिल्ड्रेन। तो आखिर मतलब ये कौन सा एक डेफिशिएंसी, किस चीज की कमी की वजह से रिकेट नाम का बीमारी होता है या बोन या हड्डी का डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता है, वो कौन चीज ऐसा है, कौन सा ऐसा मैटर है। ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम, ऑप्शन नंबर 2 सोडियम, ऑप्शन नंबर 3 पोटासियम या ऑप्शन नंबर 3 आयरन। तो वेरी इजी, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम की कमी से डेफिशिएंसी होता है रिकेट का। ओके, रिकेट का बीमारी या बोन ठीक से डेवलप नहीं कर पाएगा या दांत मजबूत नहीं रहेगा या दांत ठीक से डेवलप नहीं कर पाएगा, तो विटामिन कैल्शियम की कमी से ये रिकेट नाम का बीमारी होता है। क्वेश्चन नंबर 74, डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल, किस मिनरल की कमी से कॉजेस द एनेमिया अमंग द चिल्ड्रेन, यानी एनेमिया नाम का बीमारी होता है बच्चों में। ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम, ऑप्शन नंबर 2 फॉस्फोरस, ऑप्शन नंबर 3 मैग्नीशियम या ऑप्शन नंबर 3 आयरन। वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन है, आयरन की कमी से बच्चों में एनेमिया नाम का बीमारी होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 75, फेलियर ऑफ द टीचर टू ट्रांसमिट हिज हर आइडिया वेल
द स्टूडेंट्स में रिजल्ट इन टू, यानी टीचर्स का ये फेलियर है जो कि ट्रांसमिट नहीं करता है अपना आइडिया को अच्छी तरीके से स्टूडेंट का, ये तो ये किस चीज़ का एक नतीजा है। ओके, इस यानी टीचर इस किस चीज़ में फेल हो जाता है, अपने आइडियाज़ को ठीक से बच्चों के सामने ट्रांसमिट नहीं कर पाते, ये किस चीज़ का एक परिणाम है या रिजल्ट है। ऑप्शन देख लेते, ऑप्शन नंबर वन क्रिएशंस ऑफ नॉइस, ऑप्शन नंबर बी क्रिएशंस ऑफ इनडिसिप्लिन, ऑप्शन नंबर सी द डिसक्रेडिट ऑफ द टीचर, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। ये अगर सब रीजन रहेगा तब एक टीचर अच्छी तरीके से अपने आइडियाज़ को, अपने टीचिंग मेथड को बच्चों के सामने अच्छी तरह से ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। ओके, यानी क्लासरूम में बहुत सारा नॉइज हो, ओके क्लासरूम इनडिसिप्लिन हो, ओके इसके अलावा डिसक्रेडिट टीचर डिसक्रेडिट हो, ये तमाम रीजन बनता है ट्रांसमिट नहीं कर पाता है टीचर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 76, मॉडर्न एजुकेशन इसेंशियली चाइल्ड सेंट्रिक, ओके हूज व्यू इज दिस, यानी आज का जो मॉडर्न एजुकेशन है ये बेस्ड हो गया चाइल्ड सेंट्रिक, यानी तालीम जो होना चाहिए बच्चों को जहन के हिसाब से, बच्चों के मरकूज के हिसाब से। ओके, तो ये किसका मतलब, ये बात किसका है, यानी कौन इसको, ये किसका व्यू है। ऑप्शन नंबर वन डेल्टन, ऑप्शन नंबर बी जॉन एडम्स, या ऑप्शन नंबर सी किल पैट्रिक, या ऑप्शन नंबर डी प्लाटो। वेरी इजी, इसका जो राइट ऑप्शन है, ये जैसा डाउट है किल पैट्रिक्स में, ओके डाल्टन्स में, तो इसीलिए इसका अभी आंसर नहीं मिला है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। किल पैट्रिक ये प्रोजेक्ट मेथड के ये है जनकदाता, इन्वेंटर है। प्लाटो बहुत ही पॉजिटिव थिंग्स बोले हैं एजुकेशन के हिसाब से, तो डाल्टन में प्लाटो तो नहीं, ये किल पैट्रिक में जॉन एडम्स में डाउट है, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से देख लें। 77 में क्वेश्चंस, द मेजर पर्पज ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रंस गैंग इज, यानी बच्चों, यानी एक पर्टिकुलर लेटर चाइल्डहुड में बच्चों में जो एक गैंग, चिल्ड्रंस का जो गैंग बनता है, तो इसका मेजर सबसे बड़ा मकसद क्या है। ऑप्शन नंबर वन टू हैव फन करने का, ऑप्शन नंबर बी टू हेल्प अदर दूसरों को मदद करने का, ऑप्शन नंबर सी टू नो अदर दूसरों को जानने का, टू गेट नॉलेज, या बहुत सारा नॉलेज एक्वायर करने का। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन टू हैव ए फन, यानी देखिएगा लेटर चाइल्डहुड के बच्चों को एक गैंग बना लेंगे और गैंग बना करके सिर्फ वो लोग फन करना चाहेंगे, ठीक है, इंजॉयमेंट्स करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, कोहलबर्ग हैज लेबल द लेट चाइल्डहुड एज, यानी कोहलबर्ग का जो एक कंसेप्ट है थ्योरी मॉरल डेवलपमेंट, ओके मॉरल डेवलपमेंट, तो ये एक लेबल किए हैं लेटर चाइल्डहुड में बच्चे का जो मॉरल डेवलपमेंट किस हिसाब से या कितना डेवलप हो जाता है। ऑप्शन नंबर वन द लेवल ऑफ जजमेंट, ऑप्शन नंबर बी द लेवल ऑफ कन्वेंशनल मॉरलिटी, ऑप्शन नंबर सी द लेवल ऑफ सोशल डेवलपमेंट, या ऑप्शन नंबर डी द लेवल ऑफ कॉन्साइंस। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ओके द लेवल ऑफ कन्वेंशनल मॉरलिटी। इनके लेवल को 3 टाइप और 6 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। ओके, 3 टाइप दैट मीन्स प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, और उसी टाइप को फिर 6 स्टेजेस में डिवाइड किया गया। ओके, तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो चाइल्डहुड जो बच्चे का जो एज पीरियड है मॉरल डेवलपमेंट के हिसाब से, कोहलबर्ग के हिसाब से, तो कन्वेंशनल मॉरलिटी के अंडर में आता है। क्वेश्चन नंबर 79, सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी हैज बीन प्रोपाउंडेड, यानी सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी के जनकदाता एंड फाउंडर प्रोपाउंडेड कौन है। ऑप्शन नंबर वन में McDougall, ऑप्शन नंबर बी स्किनर, ऑप्शन नंबर सी अल्बर्ट बंडूरा, या ऑप्शन नंबर डी मॉस्लो। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अल्बर्ट बंडूरा। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी की अगर बात आ जाए तो अल्बर्ट बंडूरा। ओके, अगर सिर्फ कॉग्निटिव थ्योरी का बात है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का बात है, तब वहाँ पे होगा पियाजे। यहाँ पे कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी का बात है, इसलिए अल्बर्ट बंडूरा। क्वेश्चन नंबर 80, साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी है क्या है। ऑप्शन नंबर वन साइंस ऑफ मेंटल लाइफ,
ऑप्शन नंबर बी साइंस ऑफ बिहेवियर, ऑप्शन नंबर सी साइंस ऑफ सोल, या ऑप्शन नंबर डी साइंस ऑफ ह्यूमन नेचर। वेरी इजी, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी एवरी इंडिविजुअल्स का जो बिहेवियर है उसको जो स्टडी किया जाता है वो साइकोलॉजी में। क्वेश्चन नंबर 81, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज प्रोसेस ऑफ द मेमोराइजेशन, इसमें से कौन एक ऐसा टेक्निक है मेमोराइजेशन का एक प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर वन होल वर्सेस पार्ट लर्निंग, ओके। ऑप्शन नंबर बी शॉक एमेनेसिया, ऑप्शन नंबर सी रेस्पिरेशन, ऑप्शन नंबर डी रेट्रैक्टिव इनहिबिशन, ओके। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन, ओके, होल वर्सेस लर्निंग, यानी पूरे में से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है पूरा को लर्नना है, बट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो उसको मेन लर्नना है। नेक्स्ट वन इज द एबिलिटी टू एडजस्ट सेटिस्फैक्ट्री टू वेरियस स्ट्रेंस ऑफ द इन्वायरमेंट वी मीट इन लाइफ इज, यानी बोला जा रहा है द एबिलिटी ऑफ एडजस्ट सेटिस्फैक्ट्री, यानी कोई भी एबिलिटी एक ऐसा है जो कहते हैं सेटिस्फैक्ट्री मुतमईन हो जाता है, टू द वेरियस स्ट्रेंस, यानी बहुत सारे स्ट्रेंस दबाव के बावजूद भी, ऑफ द इन्वायरमेंट तो वी मीट इन लाइफ, तो अगर ऐसा कुछ अगर होता है तो हम लोग अपना लाइफ से क्या सीखते हैं या क्या जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर वन कॉग्निशंस, ऑप्शन नंबर बी सेंसेशंस, ऑप्शन नंबर सी मेंटल हेल्थ, या ऑप्शन नंबर डी लर्निंग। तो वेरी इजी, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी लर्निंग, ओके। इसका जो राइट ऑप्शन है लर्निंग, यानी एबिलिटी से सेटिस्फैक्ट्री या कोई भी नया कंडीशंस आ जाए, हालात आ जाए, सिचुएशंस आ जाए, उससे जो हम अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, सीख लेते हैं, एनवायरमेंट पे एडजस्ट हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग इज प्रपोज्ड बाय, देखिए डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोऑपरेटिव लर्निंग प्रपोज्ड बाय कौन, इसको प्रपोज्ड किए हैं। ऑप्शन नंबर वन अल्बर्ट बंदूरा, ऑप्शन नंबर बी ब्रूनर, ऑप्शन नंबर सी ऑजवेल, या ऑप्शन नंबर डी स्लेवियन, ओके। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन, ये भी अल्बर्ट बंदूरा, ओके। लर्निंग का जहां बात आ जाए या कॉग्निटिव लर्निंग का बात आ जाए तो अल्बर्ट बंदूरा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 84, फिजिकल ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय, यानी फिजिकल जो ग्रोथ है ह्यूमन बॉडी ये कंट्रोल्ड होता है ऑप्शन नंबर वन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से, ऑप्शन नंबर बी सोमाटोट्रॉफिक हार्मोन से, ऑप्शन नंबर सी एड्रेनल इन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यस, इसका ऑप्शन नंबर वन, ओके, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से ह्यूमन बॉडी का जो फिजिकल जो ग्रोथ है आदमी का ये डायरेक्ट कनेक्शन से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन STH, ओके, TSH, तो ह्यूमन का फिजिकल जो ग्रोथ है इट टोटली कंट्रोल होता है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 85, द मेंटल ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू, यानी कोई यानी इंडिविजुअल्स का मेंटल ग्रोथ और डेवलपमेंट डिवाइडेड इनटू, ऑप्शन नंबर वन कॉग्निटिव इफेक्टिव साइकोमोटर, ऑप्शन नंबर बी बिहेवियरल एडजस्ट एंड साइकोलॉजिकल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फिजियोलॉजिकल, ऑप्शन नंबर सी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वेरी इजी ऑप्शन नंबर वन ए, ओके। तो एक मतलब डेवलपमेंट का डिवाइड किया गया है, मेंटल डेवलपमेंट के डिविजन्स है कॉग्निटिव इफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन्स। क्वेश्चन 86, ए लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड इज, यानी एक जो एक ऐसा बच्चा जो मैक्सिमम काम या लिखता है लेफ्ट हैंडेड से, तो ये क्या है। ऑप्शन नंबर वन ए प्रॉब्लम चाइल्ड, क्या उसको प्रॉब्लम है। ऑप्शन नंबर बी टू बी चेक एंड फोर्स टू यूज द राइट हैंड, उसको चेक किया जाए और उसको फोर्स किया जाए कि वो राइट हैंड से लिखे। टू बी इनकरेज, या क्या वो इनकरेज है या एबनॉर्मल चाइल्ड, या वो एबनॉर्मल चाइल्ड है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी टू बी इनकरेज, बल्कि उसको और इनकरेज किया जाए, ओके। ये बाय नेचुरली होता है लेफ्ट हैंडेड लोग। क्वेश्चन नंबर 87, द टीचर शुड नॉट डिमांड फ्रॉम देयर पुपिल्स व्हिच इज बियॉन्ड देयर स्टेज ऑफ ग्रोथ, यानी टीचर को नहीं डिमांड करना चाहिए
अपने पुपिल से, अपने सागिर से, ओके, विच इज बियॉन्ड देयर स्टेज, जो उसके एज से स्टेज ग्रोथ ऑफ स्टेज ग्रोथ ऑफ द स्टेज से बियॉन्ड हो एंड उससे परे हो, इफ दे सो ओनली कॉज, अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या मेन बच्चों के साथ ये रीजन होता है? ऑप्शन वन फेलियर, ऑप्शन नंबर बी फ्रस्ट्रेशन एंड हाइटेंड टेंशन इन चिल्ड्रेन, ऑप्शन नंबर सी इनकरेजमेंट टू स्टूडेंट्स लर्न मोर एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। इसके लिए राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इनकरेजमेंट स्टूडेंट्स टू लर्न मोर। ओके, तो टीचर को नहीं चाहिए, ये नहीं डिमांड करना चाहिए पीपल से कि बियॉन्ड उसके एज से ज्यादा वो बियॉन्ड कुछ पूछे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ लिया नॉट, तो इसलिए यहाँ पे होगा इनकरेजमेंट टू द स्टूडेंट्स लर्न मोर। अगर नॉट रहता तो ये फ्रस्ट्रेशन या फेलियर हो सकता है। तो ये नॉट और एक्सेप्ट को अच्छी तरीके से देखिएगा, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ के। लर्निंग इज टर्म्ड यूनिवर्सल बिकॉज, लर्निंग को यूनिवर्सल कहा जाता है क्यों, वाई? ऑप्शन नंबर वन ह्यूमन बीइंग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लर्न, ऑप्शन नंबर बी एवरी क्रिएचर्स दैट लिव्स लर्न, ऑप्शन नंबर सी लिविंग क्रिएचर्स चेंज देयर बिहेवियर बाय द लर्निंग, ऑप्शन नंबर डी लर्निंग कम्स नेचुरली। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी लिविंग क्रिएचर्स चेंज देयर बिहेवियर बाय द लर्निंग, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं वो उनका बिहेवियर तभी चेंज होगा जब वो लर्निंग करेंगे, उनके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन तभी होगा जब वो लर्निंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 89, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ चिल्ड्रेन डेवलपमेंट प्रोसेस, बच्चों में जो डेवलपमेंट का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी प्रोसेस करता है, ऑप्शन नंबर वन सोशल अडेप्टेबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी having a cheerful dispositions, option number c choosing a right dress, the option number d none of these। iske liye right option hai option number 1, okay, social adaptability, bachcho mein jo sahi tarika se jo quality hai development ka, important quality hai development ka, wo social adaptability, wo samaj mein kitna ghul mil ke rehta hai। option number question number 90 jo ki aaj ka sessions ka last question hoga, परसेप्शन मीन परसेप्शन का मीनिंग क्या होता है, ऑप्शन नंबर वन सेंसेशंस प्लस मीनिंग, ऑप्शन नंबर बी सेंसेशन माइनस मीनिंग, ऑप्शन नंबर डी नथिंग बट सेंसेशन, ऑप्शन नंबर डी नॉलेज ऑफ द आउटर वर्ल्ड। वेरी इजी, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन सेंसेशंस प्लस उसका और कुछ प्लस मीनिंग को बोलते हैं परसेप्शंस, ओके, यानी उसका अपना ख्याल। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट सीडीपी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले आप लोग को 10 क्वेश्चंस करवाए गए और अभी 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया गया। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिए, किसी भी किस्म का डाउट हो दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, अपना कोई भी स्लाइड या कोई भी नोट्स को अगर पाना हो या लेना हो तो। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।